Yep, why don't we go and get started? 10:30. So we want to make sure that we start on time as always and end on time. One of the best discipline that we all can have as we grow up. So Jai Shriram to everyone. Welcome back from Diwali holidays. Hope you all had a wonderful Diwali and enjoyed nice sweets, food, rangoli, fireworks. So, but I was looking forward to see the pictures. I haven't seen any, so I encourage you to put up your pictures. I would love to see everyone enjoying the Diwali, or enjoy the Diwali rather. Nutan Varsh Abhinandan, in that's what we call in nothing Hindi, we go say Naya Varsh ki Shubhkamnaye. And I will ask Vandana Didi also to tell us exactly how properly we should say. We, at least I, grew up saying Sal Mubarak, and I realized that is not a Hindi word. So the proper way to say it is Naya Varsh ki Shubhkamnaye, I think. Or in Gujarati, we will say Nutan Varsh Abhinandan. So we wanna, from now on, we're going to say in Gujarati, Nutan Varsh Abhinandan. And Vandana Didi, tell me if this is how we say it, Nayi Saal ki Shubhkamnaye. Aise kehte hai Hindi mein. Happy New Year. Jai Shri Ram to all of you. Jai Shri Ram. सुप्रभातम. नव वर्ष की शुभकामनाएं और नई वर्ष की शुभकामनाएं. नूतन वर्ष अभिनंदन, ये बिल्कुल सब सही है. हम लोग वैसे तो अगर देखा जाए हिंदू धर्म की जो संस्कृति है, जो पौराणिक हम लोगों की संस्कृति है, हम लोगों का जो नूतन वर्ष प्रारंभ होता है वो चैत्र मास से प्रारंभ होता है, जब वसंत ऋतु खिलती है, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं. हम लोगों का जो पंचांग होता है, जो हम लोगों का ज्योतिष शास्त्र है जिससे हम लोग गणना करते हैं, वो चैत्र मास की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है. और उस समय हम अपना नव संवत्सर मनाते हैं जिसे हम न्यू ईयर कहते हैं. अगर आंग्ल भाषा मीन्स अंग्रेजी की दृष्टि से, इंग्लिश से देखा जाए तो जनवरी 21 जो आने वाला है, अभी कमिंग अप, अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर के बाद, 1 month के बाद जो अभी आएगा जनवरी, तो वो हम लोगों के यहाँ जिसे कहते हैं ना कि पूरा मुगल से लेकर और ब्रिटिशर से लेकर के, वो जनवरी ही हम लोग हैप्पी न्यू ईयर करते हैं और नव वर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं भी कहते हैं. आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं. लेकिन अभी तो हमारे पास पूरा एक 30 दिन और ये नवंबर के भी हैं, और लेकिन मंगलमय अभिनंदन भी बहुत शुभ है, गुजराती नए भाषा वर्ष के अभिनंदन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं. तो हम लोग, जब हम लोगों का मार्च में अप्रैल के बीच चैत्र मास का होता है, जिससे हम लोगों का निर्णय पत्र भी प्रारंभ किया जाता है, तो उस समय भी बहुत ही अच्छा आयोजन किया जाता है. जो लोग अपने सनातनी धर्म संस्कृति पे चलते हैं वो लोग उस दिन भी बहुत सुंदर से ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, नव संवत्सर को मनाते हैं. हम लोगों ने भी पिछले वर्ष किया था, सब लोग लाल लाल वस्त्र पहन के आए थे, लाल लाल झंडे थे, और नव संवत्सर को हमने अलकनंदा मंदाकिनी के तट पे मनाया था. और नव वर्ष की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं हम प्रारंभ से ही देते हैं. अब वो जैसे आपने कहा, मुबारकबाद होता है, शुक्रिया होता है, हम लोग रब कहते हैं, अर्जी लगाना कहते हैं, तारीख कहते हैं, ये सारे उर्दू शब्द हैं. और इन हम चाहते हैं कि जैसे हम लोग हिंदी बिगनर क्लास में हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपस में बहुत कुछ हम लोगों को हिंदी के जो शब्द हैं, हमारा हिंदी का शब्द कोश इसी से ही बढ़ेगा. जैसे हमने कहा, आपने कहा मुबारकबाद देना किसी को, तो हमने कहा शुभकामनाएं, शुक्रिया, हमने किसी का आभार प्रकट करना करते हैं. और जैसे हम कई लोग बोलते हैं कि रब की बहुत कृपा है या भगवान की, ईश्वर की, बहुत प्रयोग किया जाता है. और खासकर नव वर्ष के समय हो या दीपावली हो, बहुत सारे लोगों के मुख से हमने सुना है कि दीपावली की मुबारक हो आपको. दीपावली की शुभकामना ही नहीं, अभिनंदन भी बहुत सुंदर शब्द है कि दीपावली अभिनंदन हो या मंगलकारी हो या आपके लिए शुभ हो. तो इस तरीके के जो हम लोगों के हिंदू, जो हम लोगों के जो शब्द हैं, वे आप जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे, जो भी शब्द हैं, चाहे वो उर्दू के हैं, चाहे वो फारसी के हैं, चाहे उसे आंग्ल यानी जो इंग्लिश भाषा के हैं,
तो हम लोगों के पास जितना मतलब आउटर जो हमारे पास वोकैबुलरी होगा, हम ये प्रयास करेंगे कि हम अपनी हिंदी की वोकैबुलरी को और ज्यादा अच्छा बनाएंगे। श्री जी राम, श्री राम। थैंक यू वंदना दीदी। तो यू एक्चुअली आपने वो लास्ट में जो टॉपिक टच किया वो मैं आज बताने वाला था और रिक्वेस्ट करने वाला था, और हमने थोड़ा आपने भी भेजा है व्हाट्सएप पे। अभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वैसे सैटरडे आई मीन वेनसडे को हेदल जी ने बहुत अच्छा बच्चों को छोटी कहानी पढ़ाई थी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, और बच्चे बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे थे। तो उस बार हमको ये विचार आया कि अभी राइट ये समय है कि उनको हम वोकेबुलरी शब्द माला का थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया जाए, और होमवर्क भी हम उनको दें। जैसे हमारी घर की आसपास जो चीज़ें हैं, हमारे स्कूल की हम जो एक्टिविटीज़ नॉर्मली करते हैं, उसके लिए अगर हम उसकी जो शब्दमाला है उनको धीरे धीरे एज ए वोकैबुलरी को उनको इंट्रोड्यूस करते जाएंगे एक एक हफ्ते, जिसमें उनको हम ये लिस्ट देंगे, वो पढ़ेंगे और पहचानेंगे, तो वो बहुत अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। कि जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, बात करेंगे, तो उनको ये समझ में आएगी कि ये क्या है, ये क्या है, क्योंकि हम उनको सिखा तो देंगे हिंदी पढ़ना का, वो सीख भी जा सीख गए हैं पढ़ने का भी, मगर उनको पता चल होना चाहिए कि ये शब्द का भावार्थ क्या होता है, ये शब्द का भावार्थ क्या होता है, तो ऐसे सोच रहे थे। वंदना जी, आपका माइक म्यूट पे हो गया है। भैया आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमें उन बच्चों को दो, आई थिंक उनको दो लैंग्वेज, इंग्लिश तो उनका अपना है ही, जो वहां का जो टंग है वहां का तो उनका लैंग्वेज है ही, लेकिन जैसे उन लोगों को गुजराती गुजराती बहुत अच्छे से आती है उन बच्चों को, तो मैं आपसे ये कहना, मेरा अभिप्राय ये रहेगा कि उन बच्चों का जो गुजराती शब्द कोश है उसको हम हिंदी शब्द कोश में परिवर्तित करेंगे। जी, जी बहुत अच्छा, जो भी आप गुजराती जो शब्द को बच्चे वो अच्छा से सुनते हैं, अपने दादा दादी जी से, अपने माँ पिताजी से सुनते हैं गुजराती को, तो उसी गुजराती को हमको ना इसी में परिवर्तित करना है हिंदी में, ताकि हिंदी उनका बहुत अच्छे से बने। जी बहुत अच्छा। हाँ, तो हम इसी तरह से शुरू करेंगे और भेजेंगे व्हाट्सएप में और एमएस टीम में, तो वो उनको धीरे 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 ये शब्दकोश, जैसे घर की जो चीज़ है, घर के जो आजू बाजू हमारे जो परिवार के मेंबर्स है, वो सब तो गुजराती में हम अच्छी तरह से सबके साथ बोलते हैं, तो इसी तरह से शुरू करेंगे। ओके, और ऑलराइट। बच्चों बच्चों के पास एक जैसी बुक तो नहीं होंगी, अभी मुझे लगता है हमारे सेकंड लेवल की बुक ऐसे नहीं, अभी मिल। हाँ चलो कोई बात नहीं, मगर वो उस लाइन एक लिस्ट बनाएंगे एक्सेल में, उसमें हम बेच देंगे, तो उसे तो शुरू हो सकता है। मुझे लगता है सिर्फ विवान के पास है, क्योंकि विवान पढ़ रहा था जी, विमान एक्सेल और दो में। तीन और बच्चे के पास भी है, मगर वो उसका तो इंतजाम इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, बोला वेरी करने गुड। हमने हाँ, एक तो विमान देख पिछले बता रहा है अभी। हाँ, ये स्वर दीक्षा उसका नाम है। हाँ विवान की बुक है, स्वर दीक्षा, वेरी नाइस। विवान विवान इसको ऑन करो, इसको पलटो आप, इसका ओपन करो। ओपन योर बुक, फर्स्ट पेज ओपन एंड देन सेकंड पेज ओपन। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर बुक है, बिल्कुल मात्रा और वर्ण दोनों साथ हैं, दोनों के सिंबल्स हैं और वॉवल्स हैं, इनको इन दोनों को ज्वाइन करके कैसे पढ़ते हैं। वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। तो वंदना जी, कोई बात नहीं, चलो तो फिर क्लास शुरू करते हैं। ओके। ऑलराइट, आई विल टर्न इट ओवर टू यू।
Jai Shri Ram, Suprabhatam for all of you. I think you celebrate a lot of happiness with so many deeps. Deepavali, you all celebrate, I think. And a very, very, a lot of wishes for you. अब हम शुरू करते हैं अपने सेकंड लेवल की. आज 22 नवंबर है, अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं. I think that you all are very, very talented, and I think that you repeat and you recite vowels and consonant. So that I am telling you about in vowels. Vowels, how can I vowel and मात्रा, इसको ज्वाइंट करके हम लोगों को बुक पढ़नी है. वोवल प्लस मात्रा, बारह खड़ी. वी ज्वाइंट एंड देन वी विल रीड सेंटेंस, वर्ड्स एंड अ सिंपल स्टोरी. ओके, आई हैव अ ब्लैक बोर्ड. मैंने ब्लैक बोर्ड पे आई राइट इन समथिंग. फर्स्ट मैं आपसे एक स्टोरी बुक थी, भालू ने खेली फुटबॉल. ये बुक ये मैंने आपको सेंड भी करी थी, अगर आपने देखी होगी तो. कोई भी हिंदी की, जैसे कोई भी स्टोरी बुक होती है, एनी स्टोरी बुक इन हिंदी लैंग्वेज, इन दैट लेसन हियर इज होल मात्रास, बड़ा खड़ी. आ की मात्रा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ. Whole matra we will use in here, but in this time I use only a ki matra, badi e ki matra, choti e ki matra. Kya sabhi dekh pa rahe honge? Ji, we can. Can you come little closer? That's it. Dekh pa rahe? I can see because I have a good connection, but the people that have a maybe not good connection, they may not be able to see it, but I can see it fine. अच्छा, लेकिन बच्चों को नहीं दिख पा रहा होगा ना. ओके, कोई बात नहीं. मैं आपको जो है आप लिसन कीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ. ओके, आ की मात्रा. Here is a simple, a short story. This is a short story. I'm speaking. Asha or Ekta. Asha. A. The symbol of A. Au Ra. Au. This is symbol of Au. Ekta. A. This is a symbol of A. It is very easy. When we complete in vowel and consonant, it is very easy to read. But only focus the sound of the symbols. Aap sabhi keval focus rakhein matra pe aur unki sound pe, unki awaaj pe. Okay? A-sha. 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 Which symbol? Then anyone tell me, ma'am, this is A and Sha. This is a sound, this is the matra of A. Or Ekta, A. Bag, ga, bag. Bag means garden. Me, ga-e, ga-e. Asha and Ekta went a garden. They went a garden. Asha ne, ne a, the sound of a. It is no consonant, it is no consonant, but the symbol of a, ne. Very simple, very simple. Only focus the sound. No is the consonant, no vyanjan hai, lekin a jo upar matra hai wo a kiski hai, a, a, very simple, a. No, ne, ne, ek or ek, fal, wala, dekha.
आशा सॉ अ सेलर ऑफ फ्रूट्समैन, कहाँ देखा? अ ब्यूटीफुल गार्डन, एक बगीचे में। राम जी जी ज कंसोनेंट है व्यंजन ज, ई जी ई बड़ी ई वेरी जी वंदना जी, ज माफ करना, हमको भी अभी थोड़ा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है इंटरनेट, मेरे ख्याल से इंटरनेट का प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ और नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं दिख पा रहा है आता है आप? जाता है मगर इतना, हाँ अभी 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 पा रहा थोड़ा, है हाँ मेरे ख्याल से वैसे इंटरनेट के लिए ही ये एक सिग्नल आ जा रहा है, नहीं तो दिखता है, अभी दिखता है मुझे, मगर सब बच्चे को दिखता है कि नहीं वो भी मुझे पता नहीं लगता। मैं इसको कंप्लीट करने के बाद बड़ा बड़ा छोटा छोटा जी करके जी बच्चों को फिर हम पढ़ाना शुरू करते हैं। हाँ हाँ अभी मैं मे बी देयर इज अ रिफ्लेक्शन ऑन द बोर्ड। हाँ हाँ वो तो है, मगर मेरा तो इंटरनेट के लिए वो, अभी दिखा? नहीं, आशा और नहीं दिखाए, कोई बात नहीं। हाँ मैं और उसको बड़े में लिख के अभी अभी शेयर जी कर देती हूँ। हाँ जी जी ओके कोई बात नहीं। ओके, आई एम स्टार्टिंग अगेन। हाँ, आई स्टॉप इन हियर। राम जी, राम बिल्कुल नहीं दिख रहा आज। राम जी ज कंसोनेंट ई मात्रा, ई बड़ी ई की मात्रा। का क व्यंजन है लेकिन आ का बन गया का, आ मात्रा। नाम दादा दादी चाचा चाची जपते। राम जी का नाम दादा दादी चाचा चाची माँ पिता जो भी लिख सकते हैं हम जपते। इट इज अ शॉर्ट स्टोरी एंड माय मेन पॉइंट टू टेल यू अबाउट दिस स्टोरी, हाउ कैन वी डिफरेंट डिफरेंशिएशन बिटवीन इन वॉवल्स एंड दियर मात्रास। हम मात्रा को और शॉर्ट स्टोरी के साथ जब हम कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं तो मात्रा और व्यंजन को कैसे हम यूज करते हैं उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है। अभी आपको दिखाई नहीं दी है, कोई बात नहीं। अब मैं आपको आगे इसमें मात्रा लिख करके दिखाती हूँ हमको कैसे पढ़ना है मात्राओं के साथ। कंफ्यूज इफ एनी वन इज कंफ्यूजिंग इन एनी मात्रा, कोई किसी भी मात्रा में कंफ्यूजन है, देन टेल मी। आई एम नॉट क्लियर दिस स्वर, आई एम नॉट क्लियर दिस मात्रा। श्री राम, हाँ जी जय श्री राम, हाँ श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जी, हाँ गो अहेड। अगर आप बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाते हैं किसी भी मात्रा में देन प्लीज वेरी इजीली टेल मी हेतल दी एंड मी। ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट इन आ मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। आई एम राइटिंग इन सम सेंटेंस इन हियर। ओके, भैया कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, दिख दिख रहा रहा है, है, दिख रहा है, अभी क्लियर है, अच्छा क्लियर है। ओके, थैंक यू। ओके, ये मैंने लिखा है
आप स भी बड़ी ई भ व्यंजन है ई ई थोड़ा लंबा आया आप सभी इसको आप इजीली पहचान सकते हो यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज दिस व्यंजन दिस कंसोनेंट इट इज क दिस इज मात्रा ओ एंड ज्वाइन इट आप सभी को नव मीन्स नए नव वर्ष शुभकामनाएं ज्वाइंट कीजिएगा इसको आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं ओके हियर इज सो मैनी मात्रा यहां पे बहुत सारी मात्राएं यूज की गई हैं प्रयोग की गई हैं फर्स्ट सी दिस वर्ड इस शब्द को देखें आ पौ पौ व्यंजन इज सिंगल इसके आगे पीछे नो मात्रा ओनली पौ आ पौ आप मीन्स यू स भी भी दिस इज भी बड़ी ई की मात्रा दिस वन बड़ी ई की मात्रा सभी मीन्स ऑल ऑफ ओ हियर इज सिंगल लाइन इन अप सो इट इज कॉल्ड ओ ओ फॉर ओखली ओ से को सेम साउंड इज खो गो घो छो जो सेम साउंड व्यंजन सारे करने हैं यदि हम ओ बोलते हैं तो सभी व्यंजनों के पीछे ओ अगर लगता है तो को चो नो पो खो ओके न व न व व इट इज व वी नॉट ब नॉट बी इट इज व व फॉर वन वन व फॉर वन मीन्स फॉरेस्ट Nava means new. Varsha. Va-sha. Murdhanya-sha. This one is Murdhanya-sha. And please see this raw. Student, this is raw. You are seeing this. It's look like C. It's look like C. Lekin, isse raw kehte hain. Aaj, this is the time for to know about this raw because here is Nav Varsh. When we use this raw, it is Va-ra-sha Varsh. It raw is used in second consonant. Nav Varsh. Same this raw is Dharma, Karma. Marma, Sharma, it is raw. In Hindi language, here are three type of raw. Okay, this raw. This raw is used in any consonant in the upside, not in here, not in first consonant, second consonant, because
va, ra, and sha, it's become varsh. Varsh means ear. Ki, ka, and it is badi e ki matra. Badi e ki matra ki. Sha for shalgam. Shalgam, shankh, sha. U, shu, shu, u, chota u ki matra. Shu, bha, shuv, ka, ka. Ka, consonant, and this is the matra of a. Ka, ma, na, 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 and a. This is the stand of a. A ki matra. Na, e. Shubh kam na e. Vishesh, a lot of vishesh for a new year. Shubh kam na. Shubh is pure. Vish. Kam na means desire. Means my heart desire is to giving you a holy, holy new year. Kamnai. Shubh kamnai. To yahan pe humne kitni matra padi? Half many matra we read here. A, E, O, Ra, E, U, A, E. Here is Chandra Bindu, Ang. One point. Kamna, E. But this point is used in here, E. But when we use in Rang, Dhang, that is called, is not Rang. It is Rang. Ang ki matra, ang. But in here, a, Chandra Bindi. One simple point. Now again, I am writing in second line. Okay. आप बोलते जाइए, मैं भी नहीं रीड अभी रीड पा रहा हूँ, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं लिख दूंगा. कमल, कमल तालाब में खिलता है. ये मैं बच्चों को पढ़ने के लिए देना चाह रही थी. ओ जी, ओके. आप लिखिए, कमल तालाब में खिलता है. अब आप किसी स्टूडेंट से, ये तो कमल हो गया, लेकिन ये जितनी भी मात्राएं हैं, एक ही छोटी एक ही आगे, आप एक स्टूडेंट का नेम लिख करके. ओके, आई एम स्टार्टिंग न्यूटन, आर यू हियर? और हेतल दीदी, कैन यू कॉल सम नेम? आई एम हियर. Can you help call some name, because I'm sharing the screen. Okay. Yes, sure. Go ahead, Heather Lydia. No. Okay, we'll go by let's see. We go by first Vivan. Vivan. Yes. Vivan, please read this sentence. Can you read this sentence better? Kamal talab me kilta hai. Very good. Good job.
उत्तर दिए, उससे थोड़ा सा ये पूछिए क्या वो थोड़ा सा पहचान कर सकता है, वैसे तो बहुत छोटा है लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा है। मीनिंग मीनिंग विवान, डू यू नो द मात्रा हियर इन तालाब, डू यू नो विच मात्रा? Line. Right, this line that I'm circling, what is it called? Ah. Very good. Very good. Then khilta me. And this one, this mantra? E. Badi? Choti E or badi E? Vivan? बड़ी खिलता खिलता में लुक वन मोर टाइम इज इट छोटी ई और बड़ी बड़ी ई विवान लिसन मी वंस अगेन खिलता है खिलता है आई फोर्स वेरी शॉर्टली खिलता है छोटी ई वेरी गुड Very good. And what is the other way to tell whether it's a bigger E or a choti E? E. Right. But how right. how can you tell if this is a choti E or badi E based on the position, whether it's beginning or after? So, I will just remind everyone, if the matra, E matra, is before the consonant, then it's the choti, right? And if it's after, then it's badi. A good trick to remember. Vivan, very great, very good. I think Vivan read a book and he prepare and he recite the Hindi book. Yes. It's very good. It's very good. He is going on the good language and speaking in Hindi. Thank you, Vivan. Thank you, lot of Vivan. Okay, now I am writing. And I just want to confirm while Avanjana writes the next letter, are you guys able to see the screen that I'm typing also or no? Yes. Okay. I don't know the student, but I can see. Vivan, all other students, can you see the typing screen? Yep, I got okay from Rishan also. So I'm assuming everybody can see it. And Savan also acknowledged. Okay, good. Let's continue. फूल तोड़कर मंदिर में रख I'm not able to write because I cannot read it. माला ला फूल तोड़ कर मंदिर में रख माला ला फूल तोड़ कर मंदिर में रख not one student Nutandi two student huh You can tell in here only mala la phool tod. This okay. is one student and this four. Kar mandir mein rak. Okay, so we call two student. Let's see. We call Parth
and Dhaval from UK. So Parth and Dhaval, we're gonna start first from the Dhaval. Is Dhaval today in? Yeah. Let me see. I don't see Dhaval today here. He had joined earlier, so must have been disconnected. Let's go to Parth then. Parth? I can't see the screen very well, but I can see Mala. Sanju, we cannot see your screen. Can you? Okay, I thought I'm sharing, but I'll reshare. One second. We can see only Vanna Didi's in a. Now we can see Parth. Can you see now? Yes. Yes. Go ahead, Parth. Mala la. Gula. Flower. Full. Cool. Full. Flower. Flower. F as a Frank. Okay. Full. Mala la. Full. Tan. Tara. Yes. This is Ta. And the matra is after. What is the matra? O. To. So the speak. Tuna. Tun. Ha. To. And then gar. Da. Toad. Yeah, we're only reading up until here. Oh. Mala la food toad. Do you want me to call another student? So it'd be Mala la toad full. Full toad. Very good. And let's identify the matras. Like, what is this matra? That's oo. Okay. And this. This matra? That's A. With the line? I. So with the line and with the line on the top, both together, it's O. Okay. All right. He is Parth. Sorry, I'm just breaking you. He is Parth, na? Parth. Right, Parth was just covered. We're now moving to the next. Parth, please, I'm requesting you, please complete your matra. Please, vowel, consonant, and matra. If you complete in matra, then you can achieve the second level. So please, I'm requesting you, because full oo, this is a chota, bada oo, chota oo, how can you differentiate? Because I think you can practice more, huh? Parth. Mala la ful toda. Ta. And after, look the cursor. The cursor is there. So ta. And after the matra is o. Single o. O for Oakley. O. Ada. Toda. Okay? Best of luck, Parth. Now we call Rishan. Rishan. Mala. Now,
Yeah, Rishan, we're going to read from here. Kar mandir mein work. Very good. Very good. Very good. And what is this matra that I'm circling right here? Smiley. Very good. And what is this matra here? A. Very good. Good. And what is this dot? Eventually, everyone's going to become available. Yeah, because I'll have the room. Good, good. Very good. I'm trying to find my names for the frame, like the book. Good, good. में ही बो ले गे बो लेंगे हिंदी में ही बोलेंगे. हियर इज छोटी ई बड़ी ई ए बड़ी ई ओ ए ए. Okay, then next. Yes, we go with Lisha. Lisha. Hindi. No. No. Moho. No. Matan. मैं हिंदी में ही बोल हिंदी में ही बोलेंगे. ओके एंड व्हाट इज दिस मात्रा. Which one? The small one. Okay. And this matra with a line and a line on the top? Oh. Very good. Okay. We can pick someone next. Yes. Next we can pick Om and Seed. आज रविवार है. आज आज ओम आज रविवार है. Very good. And what is this matra at the on the top of the ha? A. Yep, very good. And on the va? A choti hai ya badi hai? Small e. Very good. All right. So looks like we are, what time is it? आज रविवार है. तो जो दो मात्रा आपने बताई, दिस इज आई की मात्रा, बड़ी ए की मात्रा है. ओके, आई की मात्रा, आज रविवार है. ओके, नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन वी कॉल हस्ती सिया. नवंबर का महीना. नवंबर का
Madina chal raha hai. Hasti. रविवार का महीना चल रहा है. No, no, no. Can you see my screen? Can you see Sanjay's screen? Yes. Okay, what is, then what is the more? Letter that I'm, you see the circles around? I don't see anything circle. Okay, can you see highlighted? Yeah. November. Okay. Next. Ka. Next. Mahina chal raha hai. Okay. And I guess we can go to the next Sia. Sia. We're going to write the next sentence in 1 second. Pustak. पढ़ने पुस्तक या किताब पुस्तक पढ़ने चाहिए ये पढ़ने की बात क्या है चाहिए 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 सिया पुस्तक पढ़नी चाहती चाहिए गुड मात्राएं हाँ एंड व्हाट इज दिस मात्रा हियर अंडर द पा Ooh. And which one is it? Bigger or smaller? It's a smaller one. Okay. And the matra on the na? E che. Lambi e. Okay. And the matra on the ha? Uki e. Very good. Okay. Yes, go ahead. I'm sorry, पर वंदना दीदी से एक रिक्वेस्ट करनी है कि ये जो जोड़ा अक्षर वाले शब्द है मतलब आधा कंसोनेंट वो एक बार एक्सप्लेन कर दे तो बहुत अच्छा वो लोग पढ़ तो लेते हैं पर एक बार वो बता दे कि कैसे रियल मतलब कैसे वो यूज होते हैं और प्रोनाउंसिएशन कैसे रहते हैं जैसे मैंने वश का बताया था ना ऊपर रेफ वाला रॉ हाँ वो और अभी जैसे पुस्तक में स हाफ है ओके हाँ तो एक बार आप प्लीज बता दीजिए वो लोग पढ़ तो लेते हैं आप अपने हिसाब से बता दीजिए उसका ओके पुस्तक के बारे में बताती हूँ लुक एट द ब्लैक बोर्ड हाँ नहीं नहीं दिखाई दे रहा है अच्छा ये है पुस्तक सौ यानी आधा सौ और ये है पूरा सौ पुस्तक यस हियर इज पुस्तक स्तक स्तक एंड इन अपर दियर इज बड़ा सौ जब भी हम पुस्तक लिखते हैं व्हेन वी राइट इन पुस्तक इट इज कभी भी जो छोटा होता है छोटी मात्रा होती है या छोटा कंसोनेंट होता है लाइक दिस पुस्तक जो भी छोटा होता है उसको हमेशा शॉर्ट में बोला जाता है और इसका जिस इसको लगाने का तरीका आप देखेंगे हाफ कैन बी राइट इन पुस्तक सॉ इट इज सॉ एंड वी कट हियर एंड इट्स बिकम दिस वन इसको कट करने के बाद हमको ये ऐसा मिलेगा रॉ एंड आधा
यस, सौ को कट करेंगे हम, वी कट द सौ लाइक दिस वन. एक मिनट थोड़ा बड़े में दिखाती हूं मैं, दिस वन सौ, सेम सेम सेम, तौ को कट कर दीजिए, सौ. इसको वी व्हेन वी यूज इन पुस्तक, जब हम किसी भी हाफ, व्हेन वी यूज इन हाफ कंसोनेंट इन अ वर्ड, इट इज कट इन सौ एंड जस्ट सेकेंड कंसोनेंट लाइक एस तौ एंड वी यूज दिस वन स्त, इस्त, इस्त, जस्ट वी स्पीक इन, इन दोनों को ज्वाइंट करेंगे, वी ज्वाइंट द टू कंसोनेंट, हाफ कंसोनेंट सौ एंड फुल कंसोनेंट ऑफ तौ एंड वी स्पीक इन इस्त, इस्त, उस तक. So, Vandana Didi, so that I can explain better and I understand myself also, is this where when you have two consonants, where the one consonant is either half pronounced or even, you know, smaller, and the other consonant is pronounced fully, so the consonant that is pronounced half or smaller gets cut in the half and joint with the consonant that we actually pronounce. So in this case, sa is not fully pronounced, but it is pronounced, and the ta is fully pronounced. So the sa is cut in the half and joint with the ta to make it sta. Okay, all right. So to give a comparison for the kids here, we have so many silent words or silent letters in our alphabet, right? So many words that you will say, even though in the spelling those words are written, we don't say it, or if we say it, that has a very minor pronunciation in the word. So, think of that as the way we cut it in the half in Hindi, so that... whenever you see a half word cut, meaning that it has a, and so help me out somebody here, but it's the silent consonant. Think of it, and I think we have a hand raised by Janvi. Janvi, go ahead. Do you want to add something on what I just said? Okay, I guess they don't. Yeah, Hetalidi, go ahead. या सो जो मैंने समझा वो कि जब बिना वो वेल के कॉन्सोनेंट रहते हैं और उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही शॉर्ट या लाइट होता है तब उसे हाफ यूज करते हैं. एम आई राइट? या राइट राइट. इन इंग्लिश इज मैंने यहाँ पे, हाँ जी बोलिए बोलिए. आई राइट हियर टू वर्ड अगेन, प आधा क का पक्का, not pa ka ka. I speak very tez se, forcefully, pakka pa adha ka ka, half ka is joined in ka and it is pakka, pakka, done, pakka, yes, adha ka and ka pakka. Agar ye half ka, ha, yes, same ad. अगर ये हाफ कॉ बड़ा कॉ होता तो हम इसको पढ़ते प का पक का, बट इट इज अशुद्ध, इट इज फॉल्ट. राइट, पक्का पक्का. सो यस, पक्का. आई विल कम दियर मींस आई विल रीच दियर, मीनिंग फॉर श्योर. यप, फॉर श्योर वी विल डू इट, एंड डेफिनेटली. यप, डेफिनेटली, पक्का, श्योर. एंड कच्चा, रॉ, रॉ, क आधा च and cha, kacha, ka, 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 yes, kacha, ka, cha, 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 right, cha, yes.
सेम सेम यस कच्चा मीन्स रॉ कच्ची है नॉट राइप सो इन बोथ ऑफ द एग्जांपल इन इन पक्का लेट्स टेक अ लुक एट द क as Vandanadidi mentioned, because the ka is, the middle ka is pronounced half or less, pakka, we are cutting the ka in the middle and connecting with the consonant that it follows, right? Likewise, in kacha, the cha in the middle is basically, we're not fully saying it, therefore it is cut in half, so basically it's a half silent if you think about it. And because it's half silent, we're cutting it in the middle and connecting with the following consonant, and that is cha. So that's called kacha. So I want you all to understand that whenever you see a consonant that is in half, that means it is pronounced a half or less, or it's a half silent, and that's what it means. All right. Any questions? I think somebody else had a hand raised. Janvi, go ahead. I guess you don't have a question. I'm going to lower your hand. All right. Who's next? Next, we can go to Srey and to Sita. Pilu ding 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 ding. And Aja wanted to go. Try. सर्दी छोटी हाँ छोटी दी ऊपर से रॉ रे फॉलर रॉ सी सर्दियों ट्रे एंटोसिटा I'm not able to type Sardiyon. Same Sardiyon. This one, but small. Sardiyon ka mausam. I'm not able to get that in for some reason, but you guys go ahead. Yeah. Okay. Sardiyon ka mausam tha. Shrey. If not, go to Tosita. I'm not getting able to D, so they're going to read from the monitor. That's okay. I'm going to call student name one or two times. If they don't answer, we'll move to the another student. Okay. Is Tosita there? Yeah. Yes, go ahead and read the Vannadidi's word, please. If you can read it. Sardi. Sardiya. Sardiya. Yo. का मौसम था वेरी गुड ओके आई नो वी डिडंट गेट टू मेनी स्टूडेंट टुडे टुक अस अ बिट ऑफ चैलेंज फॉर यू नो नॉट एबल टू रीड एंड आई हैव टू टाइप अगेन but we are at about 2 minutes before the time, and unfortunately, we do have to end it on time just because we have another class starting in 15 minutes, so we can't really continue. What we're going to ask is we will send the sentences that we read. I'm going to ask Vandanadidi to put those in WhatsApp. You guys, you know, read those. I'm going to put vocabulary list that I would like you all to read, understand. So if next week, if we give you a picture, then you will recognize it and be able to say it in Hindi. So you start working on the vocabulary. And some of you, as Vandanadidi mentioned, you definitely do need to work on your vowels and consonants. Because you will have difficulty at this time. And as we had said before, until you are fully aware of all the consonants and vowels and then be able to recognize, as you can see, there will be challenges to read the sentences that we are writing, but Vandanadidi is writing, right? So it's extremely, extremely important that you continue to work on a barakhri.
You must know all your consonants, you must know all your vowels and matras so that you can easily read. Because it's just going to get tougher from here on, right? And again, we apologize, we didn't get to go to everyone today. We also took some time off to celebrate Navratri and wish everybody. So I know we, you know, that was, but it was needed. So I promise on next class, we'll definitely will get to everyone. But 1 minute, please. Haan ji, ji. 1 minute, please. Kewal mein bas, I am requesting the student, please complete the barakhadi and difficult doubts I will clear in Sunday classes. Because it is second level classes, so जो भी difficult doubts होते हैं अभी आगे हमारे धीरे धीरे और भी हिंदी में बहुत सारे doubts आएंगे जिनको clear करते हुए जाना है आगे, लेकिन उससे पहले बस सिर्फ थोड़ा सा student को अगर मात्रा clear हो जाएगी, क्योंकि मात्राओं के साथ साथ अभी हमको बहुत कुछ पढ़ना है, इन मात्राओं के साथ साथ हमारे बहुत सारे doubts clear होंगे. So please. And one other thing, I know in the United States, so many schools are now starting online because of COVID, as we hear in the news that the schools are shutting down, not in person. So if your schedule permits, I highly, highly recommend to join our Wednesday session. You'll get a lot more practice with Hetal Didi and all the other students. So do your best to attend. I know if the schedule conflict, then you cannot and completely understand, but now with everyone or most of you are attending online, if that works, please do so. It's very, very important. All right, with that, I know we have to go to next one. So Jai Shri Ram, everyone, and thank you. And I think we have one question. I thought I have a question. Well, I found that one. Okay, all right, so we are good to go. And by the way, yes, one other thing. Wednesday, it's a Thanksgiving on Thursday here in the U.S. and Friday, so we have a holiday. But I think we can still make Wednesday class because technically the holiday doesn't start until Thursday. So yes, we will hold class on Wednesday. From today's what I saw, we do need a lot of practice. And if you guys have a holiday on Wednesday, then I highly encourage you all to join. So please join on Wednesday. All right. Thank you. Suprabham, Submadhyaham, and Jai Shri Ram. Bye. Shri Ram. Jai 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 Shri Ram.